गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है एंट्रोपी ऑफ एन परफेक्ट गैस, आपका गिब्स पैराडॉक्स। और हम लोग क्या करेंगे आज, गिब्स पैराडॉक्स का रिमूवल भी इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन पढ़ा था आइडियल गैस के लिए, तो उसकी इक्वेशन जो हमें निकल कर आ रही थी वो क्या मिली थी, जेड इज इक्वल टू वी ओवर एच क्यूब 2πmkt की पावर 3/2, इस तरीके से आ रही थी। और हमने एंट्रोपी देखी थी परफेक्ट गैस की पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में, और वो क्या निकल कर आ रही थी, s इज इक्वल टू एन के लॉग जेड प्लस 3/2 एन के। आप ऊपर इक्वेशन 1 से यहाँ पे z की वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू एन के लॉग, z की वैल्यू पुट करके v ओवर h क्यूब 2πmkt की पावर 3/2 प्लस 3/2 एन के, ये इसी तरीके से आ गया। यहाँ पे आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कीजिए। लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी वाली, कि जब आपके मल्टीप्लाई में होती हैं चीजें वो एड में चले जाती हैं, और जब आपकी डिवाइड में होती हैं तो वो क्या हो जाता है, लॉग माइनस करके वो एक चीज आ जाती है। तो देखिए आपका क्या आएगा, एस इज इक्वल टू एन के लॉग, ये भी आ गया, एच क्यूब जो है आपका नीचे डिवाइड में है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का लॉग एच क्यूब, प्लस ये सब यहाँ पे किसमें, मल्टीप्लाई में है तो हमने 2πk को साथ में दे लिया, लॉग 2πk की पावर 3/2, प्लस ये m बचा, लॉग m की पावर 3/2, यहाँ पे क्या बचा, k बचा, प्लस लॉग t की पावर 3/2, और साथ में क्या आया आपका 3/2 एन के। अब देखिए आप ये वाला टर्म कांस्टेंट है, 2πk भी कांस्टेंट है, यहाँ से अगर आप n के कॉमन ले लेते हैं तो 3/2 भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये सबका अगर आप इसका भी लॉग निकालेंगे, इसका भी लॉग निकालेंगे तो वो भी क्या निकल कर आएगा, कांस्टेंट ही निकल कर आएगा। तो हम इन सबको एक कांस्टेंट यहाँ पे c से डिनोट कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, s इज इक्वल टू एन के लॉग v प्लस 3/2 m प्लस 3/2 लॉग t प्लस c। इसे आपने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दी, जहां पे c क्या है आपका, एक कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो सिस्टम मानते हैं, ये इस तरीके से एक सिस्टम हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, दूसरा सिस्टम हो गया। इस वाले के लिए ये एन ए, यहाँ पे टी ए और यहाँ पे वी ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एन बी और टी बी वी बी, हमने दो सिस्टम माने हैं ए एंड बी। अब देखिए आप, अगर मैं ये बोलूं कि दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं तो आपका टी ए इज इक्वल टू टी बी हो जाएगा। और जो इन दोनों सिस्टम के लिए अलग अलग आप एंट्रोपी की वैल्यूज दिखते हैं तो वो किस तरीके से निकल कर आएंगे, देखिए ऐसे इज इक्वल टू यहाँ पे एन ए आ जाएगा, एन ए के तो कॉन्स्टेंट है, लॉग वी ए हो जाएगा प्लस 3/2 लॉग एम ए प्लस 3/2 लॉग टी ए प्लस सी, इसी तरीके से आपकी बी की भी आ जाएंगी। अब जो हमने ये दो सिस्टम माने थे, हम मान लेते हैं कि ये दोनों सिस्टम की एक साथ हमें एंट्रोपी देखनी है, तो एंट्रोपी क्या होती है, एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है, तो तब आपका क्या हो जाएगा, एंट्रोपी जो टोटल एंट्रोपी निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, ए वाले की एंट्रोपी प्लस बी वाले की एंट्रोपी, तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एस ए प्लस एस बी। तो देखिए इस तरीके से हमने माना, इफ वी अलाउ फ्री मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम ए एंड बी, देन एंट्रोपी बीइंग एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम्स एंट्रोपी, ये इस तरीके से आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम कन्वीनियंस के लिए ये मान लेते हैं कि आपका जो वॉल्यूम है, दोनों मतलब सिस्टम जो है यहाँ पर दोनों की सब चीजें क्या है, सेम है। हम इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारा वॉल्यूम भी सेम है, एन ए भी सेम है, और पार्टिकल्स जो है सिस्टम्स के वो सब भी क्या है, सेम ही है आपके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये वी आ जाएगा क्योंकि हमने वी के इक्वल माना है, एम ए जो है आपका एम बन जाएगा, टी ए आपका टी हो गया सीधे सीधे, और सी इस तरीके से बी वाला, यहाँ पे बी की भी आप क्या कर रहे हैं, एस ए बी की टोटल की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा, इसी तरीके से आ जाएगा। तो आप जब इन दोनों का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2nk log v प्लस 3/2 log m प्लस 3/2 log t प्लस सी, आपको इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। देखिए ये जो है आपकी इक्वेशन निकल कर आ गई, आपने इसे क्या करा, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब अगर हम एक्चुअल एंट्रोपी देखें कि जब ये दोनों सिस्टम अलग अलग ना होकर क्या हो, इसी तरीके से एक हो, तो अगर आपकी इसके एक्चुअल एंट्रोपी देखनी है तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपने इक्वेशन नंबर 2 निकाली थी एंट्रोपी के लिए, आप वहां पर रखेंगे तो देखिए इसके अंदर भी n मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर भी n मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे यहाँ पे,
और सेम ऐसे यहाँ पर इसका वॉल्यूम वी है, इसका वॉल्यूम वी है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा आपका वी हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इसका भी टी है, इसका भी टी है, तो ओवरऑल टेम्परेचर भी क्या रहेगा आपका टी ही रहेगा। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी आपके एंट्रोपी की, आपके एन की जगह पे टू एन आ जाएगा, के लॉग वी की जगह पे टू वी आ जाएगा, थ्री बाई टू लॉग एम आ जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपके वही है मास उनका, प्लस थ्री बाई टू लॉग टी प्लस सी, इस तरीके से आ जाएगा। आपने इसे इक्वेशन नंबर फोर नाम दे दिया। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे एस ए बी यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है और एस ए बी यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, लेकिन एंट्रोपी क्या है आपकी, एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। तो जो आपकी टोटल सिस्टम की इस तरीके से निकल कर आ रही थी वो यहाँ पे सम कर कर भी निकल कर आनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 2n के log 2 वाला जो टर्म्स है ये क्या आ जा रहा है आपका एक्स्ट्रा निकल कर आ जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर आपकी एंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव की तरह बिहेव नहीं कर रही है, लेकिन एंट्रोपी क्या होती है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है। तो यहीं पर ये जो आपका ये इस तरीके का पेक्यूलर बिहेवियर मिल रहा है आपको, इसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स पैराडॉक्स बोलते हैं। जो यहाँ पे आपका एंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव की जगह उससे काम करना चाहिए था पर वो उसकी जगह बिहेव नहीं कर रही है, तो इसी बिहेवियर को एंट्रोपी की आप क्या बोलते हैं, गिब्स पैराडॉक्स बोलते हैं। अगर हमें इस गिब्स पैराडॉक्स को रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं कि दोनों सिस्टम को हम मान लेते हैं कि वो कम्प्लीटली क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब उसमें आप अगर उनके मॉलिक्यूल्स को उठाकर देखोगे, एक एक मॉलिक्यूल्स को, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे में अगर आप देखना चाहोगे कि n मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे, आप उन्हें डिस्टिंग्विश करना चाहोगे तो आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके पास कितने वेव्स बन जाएंगे, n फैक्टोरियल वेव इस तरीके से बन जाएंगे। अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ध्यान होगा तो आपको अगर एक मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश भी करना है उसमें तो आप नहीं कर पाओगे, और n मॉलिक्यूल्स को अगर आप करना चाहते हो तो आपको इतने वेव्स निकलेंगे उसमें। तो इस टाइम पे आपका जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू z ओवर n फैक्टोरियल। यहाँ पे जो gi की वैल्यू होगी उसे आप n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो z भी आपका क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो आप s की जगह पे जहाँ पे z था वहां पे z की जगह पे z ओवर n फैक्टोरियल रखेंगे तो आप एंट्रोपी को किस तरीके से दे सकते हैं, s इज इक्वल टू एन के लॉग वी ओवर एच क्यू टू पाई एम के टी की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या हो गया आपको n फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ गया, प्लस 3/2 एन के। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा, लॉग, अगर आप जब इसे सॉल्व करते हैं सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन क्या आ जाएगा, लॉग एन फैक्टोरियल मतलब माइनस लॉग एन फैक्टोरियल आ जाएगा। आप वहां पे स्ट्रीलिंग्स ऑपरेशन लगाएंगे, स्ट्रीलिंग्स ऑपरेशन क्या था, कुछ इस तरीके से था, लॉग आपका अगर एन फैक्टोरियल का लॉग देखना है तो वो क्या आता था, एन लॉग एन माइनस एन, इस तरीके से आता था। आप यहाँ पे वैल्यू रखिए तो आपको जो यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू निकल कर आएगी इस इक्वेशन में वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी आपकी, एस इज इक्वल टू एन के लॉग वी ओवर एन, क्योंकि वहां पे क्या आएगा, लॉग माइनस का लॉग एन आएगा और वो क्या आ जाएगा नीचे, इस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग वी ओवर एन प्लस 3/2 लॉग 2 पाई एम के टी अपॉन एच स्क्वायर प्लस 5/2, ये आपका बन गया, इसे आपने इक्वेशन नंबर 5 दे दी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे इंटरमिक्सिंग के बाद, मतलब हमने दो जो सिस्टम मान रखे हैं उनके अगर इंटरमिक्सिंग के बाद आपको एंट्रोपी देखनी है तो ए सिस्टम की एंट्रोपी प्लस बी सिस्टम की एंट्रोपी होगी, और हमने मान रखा है कि दोनों सब कुछ क्या है, सेम है, तो आपके जो ये इसके लिए ए के लिए निकालेंगे, बी के लिए निकालेंगे, और उन दोनों को जब आप समीशन करके लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2n के log v ओवर n प्लस 3/2 log 2 पाई एम के टी ओवर एच स्क्वायर प्लस 5/2, ये दोनों इस तरीके से ब्रैकेट में आपका ये निकल कर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि टोटल सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है, मतलब कि ए और बी मिलकर एक सिस्टम हो गए, हमें इसके अकॉर्डिंग जो ये वाली इक्वेशन है आपके, इसके अकॉर्डिंग हमें एक सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है। तो देखिए हमारी क्या निकल कर आएगी, जो आपका एन है वो 2n बन जाएगा, तो 2n के आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम भी आपका 2v बन जाएगा, मैंने आपको बताया है क्यों बन जाएगा, क्योंकि दोनों सिस्टम का, एक सिस्टम का वॉल्यूम v है दूसरे का भी v है, तो मिलकर वो दोनों क्या बना लेंगे, 2v वॉल्यूम बना लेंगे, और नीचे फिर आपका n जो है 2n बन जाएगा प्लस 3/2 log 2 पाई एम के टी ओवर एच स्क्वायर ऐसी आ जाएगा प्लस 5/2। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऐसे भी आपका क्या निकल कर आया, 2n के log v/n प्लस 3/2 log 2 पाई एम के टी ओवर एच स्क्वायर प्लस 5/2, इसे आपने इक्वेशन नंबर 6 दे दी।
अब अगर आप इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि चाहे आप इन दोनों की अलग अलग करके, जैसे ये दो सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम को अगर आप अलग अलग करके इनका सम करके एंट्रोपी देखें तो वो इक्वल आ रही है, चाहे इन दोनों सिस्टम को एक साथ ले लें उसके इक्वल आ रही है। यानी कि एंट्रोपी जो है किसके जैसे बिहेव कर रही है, आपकी एक्सटेंसिव क्वांटिटी के जैसे बिहेव कर रही है। यानी कि आप कह सकते हैं जैसे आपने एस ए और एस बी दो माने थे और हमने एस जो है एक पूरे सिस्टम के, इन दोनों की मिली हुई सिस्टम की मान ली, तो एस किसके बराबर आ रही है आपकी एस ए प्लस एस बी के बराबर आ रही है। इसमें दोनों इक्वेशन आपको यही दिखा रही है। तो हम यहाँ पे क्या हो गया, आपका गिब्स पैराडॉक्स यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आपका गिब्स पैराडॉक्स रिमूव करने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि हमने क्या करा है, यहाँ पे क्वांटम प्रॉपर्टी का यूज करा है, यहाँ पे उसकी स्टैटिकल प्रॉपर्टी ना लेकर हमने क्या माना, उसे क्वांटम प्रॉपर्टी माना। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि क्वांटम थ्योरी अपने आप में ही क्या है, एक सक्सेसफुल थ्योरी है। और यहाँ से हमारा क्या है, हमें क्वांटम थ्योरी की सक्सेस का पता लग गया। तो ये बात थी हमारे गिब्स पैराडॉक्स की, और गिब्स जो हमने पैराडॉक्स को रिमूव कैसे करना है उसके ऊपर हमारा ये बात थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।